हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम एंड डॉटर कुक्स। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई की फेमस वड़ा पाव की सूखी लाल चटनी। जब भी हम ये वड़ा पाव की चटनी देखते हैं, हमें वड़ा पाव खाने का ज़रूर मन हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं ये चटनी। इसके लिए हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, मूंगफली के दाने, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक और थोड़ा चिवड़ा। हम चटनी के लिए पहले एक पैन को हीट करेंगे और उसमें 7 से 8 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें इसको सिर्फ गरम करना है, इसे हमें पकाना नहीं है, बस इसको हल्का सा हमें गरम कर लेना है। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी गरम तवे पे हम 12 से 15 हमारी लहसुन की कलियां डालेंगे। मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है। ये चटनी में हमको छिलके वाले ही लहसुन का यूज़ करना है। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गरम कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैंने सिंगदाना लिया है। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को सिर्फ गरम करना है, हमें किसी को पकाना नहीं है। अच्छे से गरम हो जाए तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर वही पैन में हम ऐड करेंगे जो सूखा नारियल मिलता है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, वही मैंने इसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून। इसे भी हम थोड़ा कलर चेंज होने तक इसे कुक करेंगे। देख सकते हैं थोड़ा कलर चेंज हो गया, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद एक मिक्सी जार में हम हमारी सूखी लाल मिर्च पहले ऐड करेंगे और फिर हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। ये मुंबई स्टाइल वड़ा पाव की जो चटनी होती है, ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। वड़ा पाव के अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। हमारी सूखी लाल मिर्च ग्राइंड हो जाए उसके बाद सारे जो इंग्रेडिएंट्स बुने थे वो भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इस सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमें स्मूथ ग्राइंड नहीं करना है, इसको कोर्स ही रखना है, हमें दानेदार होनी चाहिए चटनी। अब देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा निकाल रही हूँ, फिर से थोड़ा इसको शेक कर रही हूँ और पल्स मोड में मैं अपना मिक्सी जार यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी चटनी अच्छे से बन गई है। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये चटनी का एक बहुत अच्छा लाल कलर होता है। डालेंगे थोड़ा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और फिर से हम इसको एक ग्राइंड दे देंगे। देख सकते हैं हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं हम इसमें 3 टेबलस्पून चिवड़ा। ये ऐड करने से हमारी चटनी में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था चटनी का। तो हमारी वड़ा पाव के लिए सूखी लाल चटनी लहसुन वाली रेडी है। देख सकते कितनी टेम्पटिंग लग रही है। ये चटनी आप वड़ा पाव के अलावा इडली, सैंडविच, डोसा और आलू पराठा के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये एक वर्सटाइल चटनी है जो आप बहुत सारी चीज़ों में इंजॉय कर सकते हैं और ये 6 महीने के लिए आप फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए ये लहसुन की लाल चटनी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।